डियर व्यूअर्स एंड लर्नर्स, ये हमने मंथली अटेंडेंस शीट बनाई है। अब हम इसी के साथ हम डायरेक्ट करेंगे एक और शीट को, और वो शीट हम यहाँ क्रिएट करते हैं। उस शीट का हम नाम, अच्छा इस शीट पे हम डबल क्लिक करके लिखते हैं अटेंडेंस, ठीक है। और जो दूसरी शीट है इस पर हम डबल क्लिक करके लिखते हैं पेमेंट, ठीक है। ये हम सैलरी का जो बेसिक पेमेंट की शीट होती है वो शीट बनाते हैं। यहाँ हम लिखते हैं मंथली पेमेंट, पेमेंट ही लिख देते हैं, ठीक है। और सॉरी, ये हम कैपिटल में लिखते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद आईडी नंबर, नेम लिखते हैं, और लिखता हूँ टोटल लीव्स और टोटल एब्सेंस, सी के साथ होता है एस के साथ एब्सेंस। चलिए स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ज़रा स्पेलिंग देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ एब्सेंट, हाँ ठीक है, और एब्सेंस, ठीक है। स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, गलत नहीं है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको मैंने ज़रूरत, अच्छा मैं टैब दबाता हूँ, टोटल लीव टोटल एब्सेंस, और उसके बाद मैं लिखता हूँ इसकी इसकी जो वेजेस हैं, वेजेस, और या वेजेस लिख दें या ना लिखें, या इसकी जगह मैं लिखता हूँ बेसिक या बेसिक पे, ठीक है। बेसिक पे जितनी भी बनती है, जिसकी जो भी है वो आप लिख सकते हैं। बेसिक पेमेंट के बाद मैं लिखता हूँ टोटल लीव्स या टोटल एब्सेंस लिखते हैं, कितने दिन हैं। नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ आनी चाहिए, टोटल लीव्स या टोटल एब्सेंस। हम यहाँ सिर्फ लिख देते हैं टोटल एब्सेंस, ठीक है। उसके बाद बेसिक पे, बेसिक पेमेंट इससे पहले होनी चाहिए, बेसिक पेमेंट, और उसके बाद टोटल एब्सेंस, और उसके बाद डिडक्शन, और उसके बाद नेट अमाउंट, ठीक है। अब ये है, मैं ज़रा अपने पेज को जूम इन करता हूँ, थोड़ी सी सही दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, मैं इस पर डबल क्लिक किया, इस पर भी डबल क्लिक किया, ठीक है, इस पर भी डबल क्लिक, नेट अमाउंट, ठीक है, नेट अमाउंट या नेट पे ये भी लिख सकते हैं, नेट पे। सीरियल नंबर सिंपल सी बात है, आप सीरियल नंबर लिख दें और आईडी नंबर लिख दें, नेम आप लिख दें, कुछ भी। और बेसिक पेमेंट इसकी फॉर एग्जांपल जो है वो जो हमने डेली वेजेस के नाम से शीट बनाया था उस, तो वेजेस के हिसाब से भी आप बेसिक पेमेंट बना सकते हैं, और आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं। बाज़ वर्कर्स ऐसे होते हैं कि उनकी जो सैलरी बनती है वो वेजेस के हिसाब से बनती है, बाज़ वर्कर्स ऐसे होते हैं कि उनकी जो सैलरी बनती है वो बेसिक पेमेंट के हिसाब से बनती है, उनकी फ़िक्स सैलरी होती है। बाज़ की फ़िक्स नहीं होती, वेजेस के हिसाब से होती है। तो जिनकी फ़िक्स सैलरी होती है उनमें से कोई कटौती नहीं होती, और बाज़ इदारे ऐसे होते हैं कि जहाँ डिडक्शन होती है, गराजी के पैसे काटे जाते हैं, या तो आधे काटे जाते हैं या पूरे। इस तरह बेसिक पेमेंट में मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 25,000, यहाँ मैं ज़ीरो लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसकी टोटल एब्सेंस कितनी है वो मैं इक्वल लिख के पिछले शीट में आता हूँ, और टोटल एब्सेंस जो है ये जो है टोटल एब्सेंस, और इसके साथ प्लस का सिंबल लगा के ये जो दूसरा है टोटल लीव्स, कीबोर्ड से मैंने प्लस का सिंबल लगा दिया, ठीक है। और आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि इक्वल, उसके बाद अटेंडेंस शीट AF3 और प्लस, प्लस में क्या करना है टोटल लीव्स, और उसके बाद इंटर दबाना है, ठीक है। इसने हमें बता दिया कि इसकी जो छुट्टियां हैं कुल मिलाकर वो एब्सेंस और लीव्स के साथ कितनी बनती हैं, वो 5 बनती है, ठीक है। ये फार्मूले में हमने अप्लाई कर दिया। अब डिडक्शन कितनी करनी है, तो वो हमने इक्वल लिख के इस 5 को हमने
25 को हमने मल्टीप्लाई करना है 25,000 को 26 डेज पर, ठीक है। और जो हमारे पास आंसर आए उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो ये हमारे पास 4,807 रुपये डिडक्शन के आ गए। या अगर हम इसको ज़रा कैलकुलेट करें कि ये क्या वाकई ऐसे ही बनता है, तो उसको हम देखते हैं कि बाज़ इदारों में ऐसा होता है कि अगर इसकी सैलरी फिक्स है तो हम यहाँ ये करते हैं कि दूसरा फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल लिख के जो एब्सेंस हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इदारे की तरफ से इजाज़त है कि आप सिर्फ 200 रुपीज़ जो है वो क्या करें, डिडक्ट करें, तो मैं 200 के साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1000 रुपीज़ इससे कट जाएंगे। बाज़ इदारों में ऐसा होता है कि आप 1000 रुपीज़ नहीं काटेंगे, इसकी जो पूरी पर डे की वेजेस बनती हैं वो आप काटेंगे। तो पर डे की वेजेस ऐसी हैं कि 26 डेज जो हैं वो हमारे यहाँ काम होता है, तो हम ये करेंगे कि पहले हम इक्वल लिख के जो बेसिक पेमेंट है उसको हम डिवाइड करेंगे 26 डेज पर, तो 961 रुपीज़ और समथिंग पैसा ये हमारे पास आ गए। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास उसका आंसर आ गया, ठीक है। यही मेथड था, तो इसलिए हमारा आंसर जो है बिल्कुल ठीक है, बस सिर्फ जो डेसिमल पॉइंट्स हैं उनको हमने कम करना है, ठीक है, बल्कि डेसिमल पॉइंट्स हैं उनको ख़त्म करना है। 4,808 रुपीज़ जो है इस बंदे को पे किए जाएंगे, सॉरी इससे काट दिए जाएंगे। नेट पेमेंट में हम लिखते हैं बेसिक पेमेंट, और उसमें से माइनस करते हैं हम डिडक्शन को और इंटर दबाते हैं, तो 20,192 रुपीज़ जो हैं ये इस बंदे की इस मंथ की सैलरी बनी है। अच्छा, अब इस तरह से हम ये करते हैं कि पहले हम अपना जो टेबल है इसको फॉर्मेट दे देते हैं, थोड़ी अच्छी सी फॉर्मेट देते हैं। यहाँ से भी हमने सेल मर्ज कर दिए और इसके साइज़ को इनक्रीज़ कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसको हम सेल फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा अलग डिज़ाइन देते हैं, और ये जो टेबल है हमारे पास 9, 10 जो भी है, इसको भी हम फॉर्मेट दे देते हैं, और इसको हम लाइनें लगा देते हैं, लाइनें अप्लाई कर दी हमने, ठीक है। अब हम एक और चीज़ देखेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं पिछले शीट पर, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर 1, 2, 3 जहाँ पर है इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और कंट्रोल के साथ ये नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो मेरे पास नंबर्स आ जाएंगे। 8 जो वर्कर्स हैं, 8 वर्कर्स, उनकी मैं यहाँ एंट्री करूँगा। ये मैंने नंबर जो है लिखे हुए हैं यहाँ तक, ठीक है। ये कुछ नंबर आ गए आईडी के, यहाँ पर हम नेम फिलिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्कर्स के नेम फिल कर देंगे। बेसिक पेमेंट जिसकी जितनी भी है वो हम यहाँ लिख देंगे। किसी की हमने 25 लिखी है तो किसी की हमने यहाँ पर 20,000 लिखी है। इसी तरह हम 35,000 लिखते हैं, इसी तरह हम 40,000 लिखते हैं, इसी तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसी तरह हम क्या है 15,000 लिखते हैं, इसी तरह हम इसमें मज़ीद एंट्री करते हैं 36,000 लिखते हैं, इसी तरह हम 27,000 लिखते हैं और 10,000 लिखते हैं, ठीक है। अब ये है कि ये जितने भी वर्कर्स हैं हमारे, हम अटेंडेंस शीट में आते हैं, इनको अटेंडेंस के हिसाब से हमने सैलरीज देनी है। तो यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि मैं सीरियल में आता हूँ, सीरियल नंबर को छोड़ दें, उसकी ज़रूरत फ़िलहाल हमें नहीं है। हम ये देखें कंट्रोल के साथ, ये आईडी नंबर जो है ये सीरियल वाइज हमने चला दिया, और ये हमने वर्कर्स के नाम लिखे। उसके बाद ये जो हैं क्या कहते हैं, ये लीव्स और वगैरह वगैरह, ये मैं नीचे तक कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो फार्मूला है उसको मैं नीचे तक अप्लाई करता हूँ, यहाँ तक अप्लाई कर दिया। और यहाँ पर जो लीव्स का फार्मूला है वो भी मैं अप्लाई करता हूँ, और जो टोटल एब्सेंस हैं उनका फार्मूला भी अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पर यह है कि मैं मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो चेंज करता रहता हूँ। एल लिखा यहाँ पे मैं क्या कहें, एल लिखता हूँ, यहाँ एल लिखता हूँ, सॉरी, और यहाँ पे मैं एल लिखता हूँ, यहाँ पे एल लिखते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ जगहों पे आप मुख्तलिफ जो हैं ठीक है,
ये मैंने कुछ जो है डिफरेंसेस डाल दी। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पेमेंट में आके मैंने ये जो लिखा है ये फार्मूला अप्लाई किया है कहाँ का टोटल एब्सेंस का। ये फार्मूला अगर मैं नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो ये मुझे क्या बता रहा है, ठीक है, ये मुझे आठ के आठ वर्कर्स के क्या हैं अटेंडेंस बता रहा है। अच्छा, वर्कर नंबर टू जो है यहाँ पर ये है, इसके क्या हैं थ्री लीव्स हैं और टू एब्सेंट्स हैं। मैं ज़रा इसको कम ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसके लीव्स बढ़ा देता हूँ और मैं इसके एब्सेंस भी बढ़ा देता हूँ, एब्सेंस और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो इसके हो जाएंगे 4 + 4 = 8। अब मैं यहाँ आता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली बता रहा है कि जो वर्कर नंबर टू है उसकी टोटल एब्सेंस जो है वो 8 है। तो ये बताने का मतलब ये था कि यहाँ से हम ऑटोमेटिकली इस पर ये फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। अब ये जो फार्मूला है ये भी मैं नीचे तक इन सब पर अप्लाई करता हूँ। इदारे का एक ही रूल है कि क्या करें, जो बेसिक पेमेंट है उसको डिवाइड करें 26 डेज पर, और पर डे जो वेजेस बनती हैं उसको डिवाइड करें किसके साथ, सॉरी मल्टीप्लाई करें एब्सेंस के साथ, तो जो बाकी बचा वो जो आंसर आ गया वो डिडक्शन में आएगा और उसको फिर हम क्या करेंगे माइनस करेंगे इसके साथ नेट पेमेंट। तो यहाँ देखें नेट पेमेंट हमारे पास ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें आ गई। तो ये तरीका था मंथली पेमेंट को, पेमेंट शीट को और क्या कहते हैं अटेंडेंस शीट को डायरेक्ट करने का। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा और ये मेथड भी आपने अप्लाई किया होगा अपने पास। तो नेक्स्ट लेसन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपने कमेंट्स दीजिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद आपको वीडियोज़ या लेसन्स की ज़रूरत हो तो वो मुझे मैसेज में सेंड कर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।